Hi guys, hello, good morning all of you. Just one second. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Good morning Dhruv, good morning Prabal, good morning Dhruvi, good morning Nikhil, good morning Madhavi, good morning everyone. Just one second, let me have a tech check. Good morning everyone. So happy Valentine, you know, happy Valentine to all of you. So today is 14th of, so today is my birthday. Happy birthday Sakshi, happy birthday. Chalo. Happy birthday. So yeah, so do everyone wish Sakshi a very good happy birthday, theek hai? चलिए या तो टुडे इज 14th ऑफ फरवरी है ना, एंड 14th ऑफ फेब वैलेंटाइन डे है ना. सो डू हैव योर गुड डे है ना. इफ यू हैव एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, डू प्रपोज देम, हैव पार्टी विद देम, गो फॉर अ डिनर है ना. नहीं है तो पढ़ाई करो, माँ बाप के साथ डिनर पे चले जाओ, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है. So basically it's a day of love, so you can share love with anyone. It doesn't mean ke love sirf aap apne partner ke saath hi karte ho, hai na. Love can be your, can be with your siblings, can be with your parents, theek hai. So yeah, single hai sir, theek hai, chalo koi dikkat nahi hai. Single hona koi galat baat nahi hoti hai, bahut sare log single hote hai bhai, hai na, bahut sare log single hote hai. Chalo, so start karte hain आज के सेशन के साथ. सो हाय गाइस, माय नेम इज मनु मिश्रा, वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 14th ऑफ फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस एंड एडिटोरियल्स हैं, है ना. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सा, जस्ट वन सेकेंड, आई टेल यू. Yeah, this thing. So today I am having a special class my session. Abhi ye special class ka jo session hai, it's free for all, hai na. You don't have to, zaruri nahi hai ki aapke paas Unacademy ka subscription ho. You can enroll in this class. Ye class Unacademy app par hogi, special class hai, free class hai. Ab jo link hai, wo link aapko mil jayegi bahut jald. Ab ye special class mein hone kya wala hai. To 14th of Feb, timing kya hai? The timing would be 10 pm, hai na? So 10 pm, it would be the timing. अब इसमें होगा क्या? इसमें हम लोग करेंगे क्विज. अब ये जो क्विज होने वाला है, इस क्विज में जो भी विनर होगा, उस विनर को Unacademy की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे जो टॉप करेगा, ठीक है, जो टॉप करेगा. सो जो भी टॉप करेगा पोल में आ जाता है ना. सो एज लॉट ऑफ यू हैव अटेंडेड दी स्पेशल क्लास में आपके क्विजेस, सो उनको आइडिया होगा कि कैसे पोल के थ्रू रिजल्ट्स आ जाते हैं पब्लिकली सबके सामने. सो जो भी आपका टॉपर होगा, उस टॉपर का ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आई विल गेट इट उसी समय, एंड आई विल गिव यू टू द आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स टू द Unacademy, एंड द Unacademy बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल गिव यू द आपका गिफ्ट वाउचर्स. तो आपको गिफ्ट वाउचर्स दे देगी. मैं पुश करूंगा कि थोड़ा आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन हां, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल गेट द गिफ्ट वाउचर्स. अब वो सरप्राइज है, गिफ्ट वाउचर है, Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा. तो Amazon पे जाओ, तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, आजकल Amazon पे सब कुछ मिलता है, ठीक है. सो दैट इज 14th ऑफ फेब, 10 pm, ठीक है. तो ये थोड़ा सा मेक श्योर रखिएगा. चलो अब हम थोड़ा सा आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को समझते हैं कि आज के सेशन में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो द फर्स्ट न्यूज विच सीम्स इंपॉर्टेंट, दैट इज अ फर्स्ट न्यूज, है ना. द फर्स्ट न्यूज विच सीम्स इंपॉर्टेंट, जो कि फ्रंट पेज की ही पहली न्यूज है, एंड इट इज अबाउट द फार्मर्स को लेकर. अब ये फार्मर्स को लेकर क्या है, फार्मर्स को लेकर क्या है, है ना, फार्मर्स को लेकर क्या है. फार्मर्स को लेकर अगर हम बात करें तो फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स बेसिकली दे हैव स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट इन दिल्ली अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट. अब पॉइंट इस बात का है कि यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं,
है ना. सो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के पीछे उनका जो मेन रीजन है दैट इज एमएसपी. लेकिन एमएसपी में क्या, एमएसपी तो मिलती है, एमएसपी दी जाती है क्रॉप्स पे, ऐसा नहीं है कि एमएसपी नहीं दी जाती. पॉइंट इस बात का है कि फार्मर्स जो है, फार्मर्स चाह रहे हैं कि देयर विल बी अ लीगल गारंटी फॉर एमएसपी. लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी का सिंपल सा मतलब ये होता है, लीगल गारंटी ऑफ आपका लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अभी अगर हम बात करें तो अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना वो कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ में मेंशन नहीं किया गया है ना. जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ध्रुव या जैसे अभी कोइस के अपन ने बात करी और कोइस को लेकर ध्रुवी जो है, ध्रुवी या प्रबल या फिर शारदा जो है टॉप पे आ गए है ना. दे गॉट रैंक वन, कोई भी आइदर ऑफ दी वन, दे गॉट रैंक वन. एंड उसके बाद मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि देखो अनअकैडमी तो गिफ्ट वाउचर दे ही रहा है. तो वो क्या है, वो लीगल गारंटी है क्योंकि वो मेंशन किया गया इसमें है ना. तो यहां पर मेंशन किया गया कि हाँ भाई आपको गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा. अगर आगे चल के नहीं दिया गया तो भाई आप ना सिंपल सा अनअकैडमी को अप्रोच कर सकते हो और क्लियरली बोल सकते हो कि भाई ये मेरे ट्रस्ट का ब्रीच है, आई हैव ट्रस्टेड ऑन यू, आई हैव अटेंडेड द सेशन फॉर द गिफ्ट वाउचर है ना, आप ही ने मुझे पुश किया था. ठीक है, सो ये चीज. तो अब पॉइंट है कि उसी सेशन, ये तो लीगल गारंटी हो गया कि भाई लीगल गारंटी क्या है कि भाई अनअकैडमी ने क्लियरली बोला कि भाई देखो आपको गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, तो ये क्लियरली स्टेट कर दिया. लेकिन उसी सेशन में अगर मैंने अनाउंस किया कि देखो जो भी टॉप करेगा ना उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगी है ना, अनाउंस कर दिया और फिर बाद में मैंने नहीं दी या मैं भूल गया है ना, सो क्या तुम मुझसे वो क्लेम कर सकते हो? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट रिटन है ना, इट इज नॉट रिटन, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग. सो सेम गोज विद द एमएसपी. एमएसपी की जब हम बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जब हम बात करते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बेसिकली उन क्रॉप्स पे दिया जाता है, उन क्रॉप्स पे दिया जाता है, अराउंड 22 क्रॉप्स पे दिया जाता है. दैट इज 14 खारीफ है, 14 खारीफ क्रॉप है, 6 राबी क्रॉप्स है, 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स है जिन पे आपका एमएसपी दिया जाता है. एमएसपी है क्या? पॉइंट ये है कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है एमएसपी को. तो एमएसपी समथिंग जो कि एक मिनिमम प्राइस फिक्स करता है उन क्रॉप्स पर कि इतनी मिनिमम प्राइस तो मिलनी चाहिए इन क्रॉप्स पर, इसके नीचे नहीं मिलना चाहिए है ना, इसके नीचे नहीं मिलना चाहिए. बट द पॉइंट इज नॉट लीगल गारंटेड. हो सकता है कि कल यूनियन गवर्नमेंट उठ के ये बोल दे कि आज हम इस क्रॉप पे एमएसपी नहीं दे रहे. पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कहीं कोई लॉ डिफाइन तो नहीं किया गया. ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने 1965 में आपका कमीशन सीएसीपी ना, सीएसीपी उन्होंने बनाया. ठीक है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस उसने रिकमेंडेशन देना स्टार्ट किया. और रिकमेंडेशन कहां गई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास. और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया, आपका एमएसपी फिक्स कर दी कि भाई फाइनली डिसाइड कर दिया कि भाई ये एमएसपी होगी. लेकिन कल अगर मान के चले कि कल आपकी यूनियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि मुझे ना इस साल एमएसपी नहीं देना किसी क्रॉप पर एमएसपी नहीं देना, फिर तो क्या फार्मर्स क्लेम कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज देयर इज नो लीगल गारंटी. There is no legal guarantee, ठीक है? तो इसीलिए the farmers want कि there should be a law, एक law होना चाहिए जिसके थ्रू farmers को guarantee मिले, legal guarantee मिले कि उनको इन crops पर MSP दी जाए, उनको इन crops पर MSP दी जाए, कि जिससे अगर उनको MSP नहीं मिल रही है या फिर कोई MSP नहीं दे रहा है तो फिर वो court में जाकर claim कर सकते हैं है ना, court का door knock कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि it's a legal guarantee, it's a right टू गेट दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इसीलिए हमें ये मिलना चाहिए. लेकिन अभी अगर एमएसपी नहीं दिया गया तो अगर मान के चलो मेरे पास फार्मर आया, आई एम दी ब्रोकर है ना, और मैंने उसके एमएसपी के नीचे मैंने उससे क्रॉप्स खरीद लिए, तो बताओ मेरा फार्मर मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं. फार्मर अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो यही बोलेगा ना कि यू हैव टू शो दी लॉ, आप लॉ दिखाओ, तभी तो पता लगेगा कि भाई ये लॉ का ब्रीच हुआ है, ये तो लॉ का ब्रीच हुआ ही नहीं है. हो सकता है आपने फ्री में दे दिया हो सकता है भाई आपने दोस्ती में दे दिया अब आप कोर्ट आ गए है ना. तो इसीलिए आपके लीगल गारंटी डिमांड कर रहे हैं कौन, फार्मर्स लीगल गारंटी डिमांड कर रहे हैं. तो एक बार थोड़ा समराइज करके अपन लिख लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, जस्ट वन सेकंड गाइस, ऑडियो में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? या चलो, सो है क्या इशू. ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा एमएसपी के बारे में समझ लें. अच्छा, एमएसपी दी कितनी जाती है? तो एमएसपी देने का तरीका जो होता है ना, कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है वो क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका ये है, दैट इज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 150%,
जैसे मान के चलो कि मैंने ना कोई क्रॉप उगाई, वो क्रॉप उगी है 100 रुपीज में, 100 bucks में वो क्रॉप उगी है, ठीक है, और उसका मुझे एमएसपी कितना मिलेगा, 150 रुपीज। तो 150 रुपीज जो होगी वो क्या होगी, आपकी एमएसपी होगी। इसके ऊपर भी हो सकती है, बट एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के थ्रू आपका एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है, और वो 150, तो मतलब 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 150 टाइम्स, है ना, या 150% मोर, नहीं, 150%, 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 100 का 150% कितना हुआ, दैट इज व्हाट, अगर 100 इज 100%, सो इसका 50% और डाउन करना है, दैट इज 150 रुपीज, ठीक है, 150 रुपीज। तो ये चीज, अब इसकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है, इसकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है, सो 1965 में क्या होता है, 1965 में आपका CACP बनता है ना, CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, जिसका काम क्या है, जिसका काम है रिकमेंड व्हाट द प्राइस ऑफ एमएसपी, द प्राइस ऑफ एमएसपी। लेकिन देखो रिकमेंडेशन है, और रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना, रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती जब तक फाइनेंस कमीशन नहीं है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग हो जाती है, बट CACP की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती। तो इनकी रिकमेंडेशन कहां जाएगी, इनकी रिकमेंडेशन जो है वो जाएगी आपके कहां पर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, अफेयर्स। अब अगर हम सिंपल सी बात करें, इसको एक्रोनिम बोलते हैं आपका CCEA, ठीक है, इसको चेयर कौन करता है, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ठीक है। अब तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड द अमाउंट ऑफ एमएसपी, है ना, द अमाउंट ऑफ एमएसपी। और एमएसपी कितने क्रॉप्स पे दिया जाता है, एमएसपी दिया जाता है आपके 22 क्रॉप्स पर, 14 खारिफ, 6 राबी एंड 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। अब देखो एक और चीज याद रखना, CACP बना कब, 1965 में। अब क्वेश्चन पता आपसे क्या आएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई CACP कब आया, तो भाई ये तो पता है 1965, लेकिन इफ समवन आस्क यू कि भाई ये बताइए कि एमएसपी इंप्लीमेंट होना कब से स्टार्ट हुआ, सो व्हाट विल यू से, द एमएसपी हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1966 से आपका एमएसपी आना स्टार्ट हुआ, तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कब से, 1966 से, ठीक है, 1966 से एमएसपी जो है वो आपका इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हुआ, ग्राउंड पे आपका इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया 1966 से, 65 में CACP आता है, क्लियर। और कितना मिलता है, 150 रुपीज, मतलब 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नॉट 150% टाइम्स, 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर 100 रुपए की चीज उगाई है तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, That is what MSP is. उसके beyond मिल सकता है, उसके beyond में कोई problem नहीं है। अब देखो एक और चीज, ये चीज हो गई। अब farmers तो ये legal guarantee demand कर रहे हैं, है ना? तो ये तो सबको पता है कि what they are demanding? They are demanding a legal guarantee. कि भाई legal guarantee दे दो minimum support price को लेकर। Union government ने मना कर दिया। Union government ने बोला कि भाई हम legal guarantee नहीं देंगे। But we can have a talk. है ना, सो गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड फार्मर्स कि भाई हम थर्ड टाइम फिर से टॉक करने को रेडी हैं, बट हम लोग लीगल गारंटी एमएसपी पे नहीं देने वाले, हम लोग लीगल गारंटी एमएसपी पे नहीं देने वाले। गवर्नमेंट का स्टैंड भी ना अपनी जगह सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई फार्मर्स गलत है, फार्मर्स बिल्कुल गलत नहीं है, सब लोगों को अपने राइट्स के लड़ने के लिए बिल्कुल हक है ना। अगर मैं शायद किसान का बेटा होता तो मैं भी शायद यही बोलता कि नहीं भाई एमएसपी मिलना चाहिए, लीगल गारंटी होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा राइट है, होना चाहिए वो, है ना, वो मेरे इंटरेस्ट की बात है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव सोचोगे, अगर गवर्नमेंट ने लीगल गारंटी फिक्स कर दी तो पहली बात तो देखो कितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, पहला, है ना। दूसरा चीज कि अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आए या कभी भी फाइनेंशियली कुछ ऊपर नीचे हो गया, फिर क्या होगा, और एमएसपी तो कभी भी चेंज होता है। आज हो सकता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 रुपीज हो, 2 दिन बाद मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज हो जाए, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ जाए या सीड्स के प्राइस बढ़ जाए, है ना। तो उसको लीगल गारंटी करना वो फिजिबल नहीं है। और आपने, चलो लीगल गारंटी आपने कर दिया, तो आप करोगे कैसे, आप कैसे वेरी करोगे,
तो आपको कभी हो सकता है कि भाई कभी सीएसीपी ये बोल दे कि इट्स नॉट 150%, वो बोल दे 200% दे दो, है ना, 200% दे दो, तो 200%। और दूसरी बात ये है कि क्रॉप्स ना डिफर करती हैं, क्रॉप्स पे एमएसपी डिफर करता है, सीसम पे एमएसपी सबसे हाईएस्ट मिलता है, वीट पे एमएसपी सबसे कम मिलता है। तो पॉइंट उसी चीज का आ रहा है, कि हम कैसे लीगल गारंटी बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियरली यही चीज स्टेट करी है, कि भाई देखो लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी इज आउट ऑफ टेबल, बट वी कैन अगेन हैव अ टॉक विद द फार्मर्स, है ना। तो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स जो है उसके लिए इनवाइट किया गया बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फार्मर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को लेड कौन कर रहा है, आपका संयुक्त किसान मोर्चा, है ना, संयुक्त किसान मोर्चा इसको लीड कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, this is something a very important and a very interesting news, and that is about the what India-European Union relationship, है ना? हम इसको पूरा का पूरा in-depth, जो हमारी CA25 series चल रही है, Wednesday, Thursday, Friday, वैसे आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज का जो हमारा topic होगा, white paper economy, है ना? तो जो white paper issue किया गया Indian economy के ऊपर, उस पे हम लोग आज करने वाले हैं, आपका क्या? That is this thing, क्या बोलते हैं? CA25, ठीक है? I hope सबको CA25 पता है, क्लियर है CA25 क्या है, है ना? So 10 PM पर वो तो वीकली क्विज होगा, और वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 days आ वीक, आई एम हैविंग अ पूरा का पूरा सीरीज, जिसमें हम लोग रात में 8 बजे मिलते हैं और एक टॉपिक हम लोग कवर अप करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज आपका CA25, उसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, दैट इज आपका व्हाइट पेपर इश्यूड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन इंडियन इकोनॉमी, उसको हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो लेकिन हम इस इशू को भी हम कवर अप करेंगे अच्छा डिटेल में, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये है क्या, अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट होता है FTA का, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का, है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, देखो मान के चले कि देखो मेरी एक दुकान है, लेट्स अज्यूम मेरी एक दुकान है, वो दुकान डेयरी की शॉप है, डेयरी की शॉप मतलब दूध मिलता है, दही मिलता है, पनीर मिलता है, है ना, सफल मटर मिलती है, ये सारी डेयरी की शॉप है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक आइसक्रीम मिल जाती है ना, मिल्क की आइसक्रीम मिल जाती है, सो ये सारे डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। अब क्या हुआ सर, हाई कोर्ट आस्क्ड द हरियाणा गवर्नमेंट व्हाई आर दे बेयरिंग फार्मर्स टू गो टू दिल्ली, हाई कोर्ट दे आर आस्किंग कि बेसिकली क्यों आपका फार्मर्स को दिल्ली एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, बट द पॉइंट इज यूनियन गवर्नमेंट हैज अ राइट टू से दैट, एंड यूनियन गवर्नमेंट क्लियरली यही स्टेट करेगा कि बिकॉज दिल्ली इज अ कैपिटल, दे कैन क्रिएट हराकस, प्रोटेस्ट हो सकता है ना, कहीं ना कहीं राइट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चलो तो वो हाईकोर्ट बोलते हैं, हाईकोर्ट का काम क्या है, ऑब्वियसली बात है, राइट टू प्रोटेस्ट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रोटेस्ट, अगर मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर आप आर्टिकल 19 उठा के देखोगे तो आर्टिकल 19 क्या बताता है, राइट टू फ्रीडम। तो पहला राइट टू फ्रीडम क्या है, आर्टिकल 19(1)A, दैट इज आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, दैट राइट टू असेंबल, है ना, सो राइट टू असेंबल बट पीसफुली मुझे असेंबल होना पड़ेगा, है ना, पीसफुली मुझे असेंबल होना पड़ेगा। लास्ट टाइम बहुत वायलेंस हुआ था, देख पॉइंट वही होता है कि यहाँ पर ना दोनों सिनेरियो हैं। अगर आप प्रोटेस्ट की फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करोगे ना, अभी जब लास्ट टू लास्ट ईयर ये होता तो तब ना बेसिकली सी द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं वो एलिमेंट आ जाता है, वायलेंस का एलिमेंट आ जाता है जब मास लेवल पर प्रोटेस्ट होता है ना। अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ था तब वायलेंस हो गया था। सो अन्ना हजारे वैसे गांधी है ना, ही डोंट बिलीव इन वायलेंस, बट वायलेंस हुआ ना क्योंकि वो मास है, मास में मेरे ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, है ना, मेरी पर्सनैलिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी डिफर कर सकती है, इसलिए ठीक है। तो यू कैन पीसफुली असेंबल, इट्स अ फंडामेंटल राइट, और इसीलिए हाई कोर्ट में गए होंगे फार्मर्स, और फार्मर्स ने यही बोला कि भाई आप क्यों रोक रहे हो, उनका हक है प्रोटेस्ट करने का। तो वही चीज है कि अब देखते हैं कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट क्या बोलता है। हम इस पे आते हैं, हम करते हैं एफटीए की बात, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात, कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता क्या है। पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद आपको ये वाली न्यूज क्लैरिटी, इस वाली न्यूज में आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए क्या है,
अगर हम बात करें तो मेरी एक शॉप है, उस शॉप में मैं आपका मैं रखता हूं क्या, मेरी डेयरी की शॉप है, है ना, आई हैव अ डेयरी की शॉप. अब डेयरी की शॉप में क्या हुआ कि एक और पर्सन है, वो मेरा दोस्त है, है ना, और उसके घर में शादी है. तो उसने बोला, मनु यार मुझे ना दूध चाहिए, पनीर चाहिए, दही चाहिए. मैंने कहा ठीक है भाई, ले ले यार, कैसी बातें कर रहा है. तो बोला कितने प्राइस का है. तो मैं उसको बोल रहा हूँ, देख मैं मार्केट में बेचता हूँ कितने का, मार्केट में बेचता हूँ 50 रुपीज पर kg, है ना, मार्केट में 50 रुपीज पर लीटर मिल्क. आपका जो कर्ड है, दही है, वो 100 रुपीज पर kg, और पनीर 400 रुपीज पर kg, जो भी अमाउंट है वो मैं बोल देता हूँ कि मार्केट में ही है. बट तू मेरा फ्रेंड है ना, तो ऐसा करते हैं कि मैं तुझसे प्रॉफिट नहीं लूंगा, है ना, या मैं तुझ पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं लूंगा तुझ पर, ठीक है, मैं तुझसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लूंगा. मैं काम करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे 50 रुपीज जो पर लीटर मुझे मिल्क देना था, वो मुझे 40 दे दूंगा. मैं 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा, मैं तुझ पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, ये नहीं लगाऊंगा, वो नहीं लगाऊंगा. और इसके बदले इतना मेक श्योर रखना कि तू अपनी शादी में मेरी पूरी फैमिली को बुला ले. तू अभी मेरा दोस्त है, उसे मुझे बुलाएगा, लेकिन मेरी पूरी फैमिली को बुला, मेरे चाचा चाची सबका, जिससे उस दिन का मेरे खाने का जो पैसा है वो बच जाएगा, है ना. चिंदी वाली बात है, बट हाँ एग्जाम्पल के तौर पर, कुछ ज्यादा ही चिंदी एग्जाम्पल हो गया, बट हाँ तो ऐसा, तो जिससे उस दिन मेरे डिनर का कॉस्ट बच जाएगा. तो वो बोलता है बिल्कुल. अब हम दोनों के बीच में क्या हो गया, अग्रीमेंट हो गया. अब कोई थर्ड पर्सन आ रहा है मेरी शॉप पे, फोर्थ पर्सन आ रहा है ना, अब साक्षी आ रही है, प्रबल आ रहा है, और ये सब लोग आ रहे हैं, और ये जब शॉप ले, ये मुझसे अब दूध लेने आ रहे हैं, तो मैं इनको कितने रुपीज में दे रहा हूँ, 50 रुपीज में, लेकिन मैं अपने दोस्त को कितने रुपीज में दिया, 40 रुपीज में, है ना, 40 रुपीज में दिया. सो दैट इज नॉट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है क्या, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की हम बात करें, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, है ना, टू और मोर कंट्रीज या टू और मोर एंटिटीज, जिसमें आपके जो ट्रेड के बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स को आप लोअर डाउन कर देते हो, है ना, उन बैरियर्स को आप लोअर डाउन कर देते हो, जिससे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है, या आपके इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं पुश मिलता है कि आपके देश में वो इन्वेस्टमेंट करें, और इवन ट्रेड भी बूम करता है. जैसे लेट मी गिव यू द एग्जांपल, ठीक है, लेट मी गिव यू द एग्जांपल. जैसे कि मान के चलो कि ये बात करते हैं, ये है इंडिया, ठीक है, दिस इज अ नेशन कॉल्ड इंडिया, है ना, आर नेशन. और एक और नेशन है जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना. अब देखो, इंडिया और यूएसए में ट्रेड होता है, बिल्कुल होता है. हम यूएसए से क्या लेते हैं, यूएसए हमें देता है क्या, यूएसए हमें देता है आपका वेपन, हमें वेपन्स देता है. और हम यूएसए को क्या देते हैं, हम यूएसए को देते हैं अल्फांसो मैंगो देते हैं, है ना, अल्फांसो मैंगोज दे दिए, जेम्स दे दिए, जेम्स मतलब प्रेशियस स्टोन्स, मैंगोज, कई मैंगोज की बात करेंगे, बताए अभी तुम्हें बताऊंगा कि मैंगोज की कहानी क्या थी इंडिया यूएस वाली, तो मैं बहुत मजा आएगा इसमें मैंगोज को लेकर, अल्फांसो मैंगोज को लेकर, वो तो मजा आएगा तुम्हें, ठीक है. चलो तो अभी ये चीज होती है, तो पहले अपन ये समझते हैं, फिर स्टोरी पे आएंगे. सो यूएसए हमें क्या देता है, वेपन्स, और हम क्या देते हैं, जेम्स और मैंगोज. अब देखो, जब हम आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हैं ना, कोई भी कंट्री ट्रेड करती है, तो होता क्या है, तो उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्सेस लगाए जाते हैं, टैक्सेस नहीं ड्यूटी लगती है, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स, ड्यूटी लगती है, है ना, कस्टम, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स लगता है, बहुत सारा टैक्स लगता है. अब उन टैक्स को अगर आप लोअर डाउन कर दो, है ना, तो मान के चलो वेपन्स आ रहे थे और इन वेपन्स पे टैक्स लग रहा था 20%, आपने 20% को क्या कर दिया, आपने 20% को खत्म ही कर दिया. और यहाँ पर जो हम जो दे रहे थे यूएसए को टैक्स देना पड़ रहा था आपका 30%, वो 30% भी इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया. अब सिर्फ जो गुड्स की प्राइस है, उसी गुड्स की प्राइस यूएसए में जा रही है, और यूएसए भी वेपन अपनी ही आपके प्राइस पे दे रहा है. तो जिससे होगा क्या, जिससे हम जो पूरे टैक्स और जो बैरियर्स थे, जो ऑब्लिगेशंस थे, उन ऑब्लिगेशंस को हमने क्या किया, कट डाउन कर दिया, कट शॉर्ट कर दिया. तो हमारे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड कैसा हो रहा है, फ्री. And that is what free trade agreement. अब इससे होगा क्या, इससे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, वो ट्रेड बूम करेगा, है ना. मैं अगर इंडिया का हूँ और इंडिया में मैं मैंगोज सेल करता हूँ, तो मैंगोज कहाँ बेचूंगा, यूएसए में, क्योंकि यूएसए में ज़्यादा आपके सप्लायर्स हैं, है ना, और यूएसए में मुझे ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी. वहीं यूएस का जो आर्म डीलर है, वो आर्म डीलर इंडिया में ज़्यादा वेपन सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको ड्यूटी नहीं देनी पड़ रही है, ठीक.
ठीक है, दैट इज व्हाट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है. तो सिंपल सा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज वेयर द कंट्रीज अग्रीड ऑन सर्टेन ऑब्लिगेशन दैट अफेक्ट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेस, ठीक है, एंड सर्विसेस. जैसे आप लोअर डाउन कर सको, लोअर डाउन कर सको, आपका आपका क्या बोलते हैं, जो भी आपके ऊपर, जो भी आपके ऊपर ट्रेड ऑब्लिगेशन लगा हुआ होगा उसको आप लोअर डाउन कर सको, ठीक है. चलो, टैक्सेशन, ये सारी चीजें आप लोअर डाउन कर सको. अब देखो, अब हम थोड़ा सा और आगे, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अल्फांसो मैंगो वैली. हुआ क्या, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो 1999 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी, और न्यूक्लियर टेस्टिंग में इंडिया न्यूक्लियर देश बन गया, जिसको हम बोलते हैं आपका ऑपरेशन शक्ति, है ना, ऑपरेशन शक्ति, जो पोखरण 2 जिसको बोला जाता है, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति में इंडिया बिकेम द न्यूक्लियर स्टेट. उसके बाद यूएसए ने ना इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, है ना. वो तो हमारे पड़ोसी देश का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उस पड़ोसी देश ने भी ईगो में उधर भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी, एंड जिसके चलते यूएसए डाउट में आ गया कि अब क्या करें, क्योंकि अगर हमने इंडिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगा दिए तो पाकिस्तान के ऊपर भी लगाने पड़ेंगे. लेकिन अगर हमने सिर्फ इंडिया के ऊपर लगाए, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाए, तो ये तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि ये तो भाई गलत कर रहे हो, बाइसनेस दिखा रहे हो, है ना. तो धीरे 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 क्या हुआ, आपका जो सैंक्शंस से रिमूव होना स्टार्ट हो गया. लेकिन इंडिया और यूएस के रिलेशन स्ट्रेंथन नहीं हुए. और होता क्या है, उसके बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं जॉर्ज बुश. और जॉर्ज बुश जब बने, तो जॉर्ज बुश इंडिया में आते हैं, है ना. और इंडिया में क्यों आए, सिविल न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए. ये सिविल न्यूक्लियर डील क्या थी, तो देखो दो तरीके की, दो तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है. एक तरीका क्या है, एक तरीका जो सबको पता है, दैट इज टू मेक द न्यूक्लियर वेपन्स, है ना. तो वो मिलिट्री यूजेस हो गया, है ना. और एक होता है आपका सिविल न्यूक्लियर यूज. सिविल न्यूक्लियर यूज, सिविल न्यूक्लियर यूज का मतलब क्या है, कि आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करो फॉर व्हाट, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फॉर द गुड्स ऑफ द पीपल, के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और भी चीजें, आपका एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें. तो उसमें यूएस ने ये बोला था कि हम एक अग्रीमेंट करेंगे, उस अग्रीमेंट के थ्रू इंडिया के अंदर जितनी भी सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज होंगी, सिविल न्यूक्लियर सॉइल्स होंगे, है ना, फैसिलिटीज बोलते हैं सॉइल्स, वैसे न्यूक्लियर सॉइल्स बोला जाता है, सॉइल्स का मतलब ये होता है कि फैसिलिटीज. तो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है, सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज में हम लोग जाकर आपका इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि भाई आप कहीं ज्यादा यूरेनियम को एनरिच तो नहीं कर रहे, ये सारी चीजें आपके मिलिट्री को टच नहीं करेंगे. इंडिया अग्री कर गया. तो उसके बाद जॉर्ज बुश ना इंडिया में आते हैं, और जॉर्ज बुश जब इंडिया में आए ना, तो उनके वेलकम के लिए, तब उनका डिनर जब हुआ, तो डिनर में ना उनको मैंगो खिलाया गया, और अल्फांसो मैंगो, आई होप सबको पता होगा अल्फांसो मैंगो जो होता है ना, अल्फांसो मैंगो खिलाया गया. तो अल्फांसो मैंगो जब उन्होंने खाया ना, तो ही वाज लाइक, यार ये क्या है, मतलब उनका, उनके मुंह से सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखा था कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट आई हैव ईटन इन माय लाइफ दैट इज दिस अल्फांसो मैंगो. और उसके बाद इंडिया यूएस का ट्रेड बूम कर गया, है ना. और जिसके चलते जेम्स तो जाते थे, और इंडिया और यूएस के बीच में ना बहुत ट्रेड डेफिसिट था, अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट था. इसीलिए इंडिया ने बहुत मैंगोज को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, है ना. और पूरे यूएस की जनता को मैंगोज इतने पसंद आए कि इंडिया ने भर भर के एक्सपोर्ट किया. और बदले में हमें क्या मिला, बदले में मिला हमें हार्ले डेविडसन, है ना, हार्ले डेविडसन बदले में हमें मिल गया. तो उन्होंने वही बोल दिया था, कैसा करते हैं, वील गिव यू हार्ले डेविडसन एंड वी वॉन्ट योर अल्फांसो मैंगोज. सो हार्ले डेविडसन इंडिया में आ गई, और अल्फांसो मैंगोज हम लोग देने लगे. बट फायदा हमारा इसमें हुआ, ठीक है, फायदा ऐसे हुआ क्योंकि हार्ले डेविडसन कोई खरीद नहीं सकता, हर कोई नहीं खरीद सकता, बट मैंगोज तो सब खरीद सकते हैं यूएस में. तो वो चीज हो गई, ठीक है. चलो So, मतलब अल्फांसो मैंगो से हमारे रिलेशंस अच्छे हुए थे, है ना. और ये रियल है, मतलब यू कैन गो एंड चेक ऑन द गूगल एंड यू विल गेट टू नो कि हाउ अल्फांसो मैंगो चेंज द इंडिया यूएस रिलेशंस. चलो इस पे अपन आते हैं. अब यहां पर जो बात हो रही है, किसके बीच में, यहां पर बात हो रही है एफटीए की बात की, है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की. सिंपल सी बात करें, अब जैसे यूरोपियन यूनियन, तुम्हें एफटीए समझना है ना, एफटीए को लेकर सबसे बेस्ट एग्जांपल यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब एफटीए हैं. यूरोपियन यूनियन के अंदर आपकी जो टोटल कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी बैरियर, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो किसी भी कंट्री में. दैट इज व्हाट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट.
यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन यूनियन में जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जाती है, ठीक है, दैट इज व्हाट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। अब पॉइंट इस बात का है कि जब हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन अगेन इट्स अगेन दो इंपॉर्टेंट आपके एक नेशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होना जरूरी है ना। तो 2007 से ना टॉक चल रही है, कब से 2007 से टॉक इज अबाउट व्हाट 2007 से टॉक चल रही है कि भाई इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होना चाहिए 2007 से। लेकिन बिकॉज ऑफ द मेनी डिफरेंसेस 2013 में ये टॉक खत्म हो चुकी थी, 2013 में ये टॉक खत्म हो चुकी थी, कभी कोई कंक्लूजन पे हम लोग आ ही नहीं पा रहे थे। बट फाइनली होता क्या है, फाइनली होता क्या है, एक सिंपल सा काम होता है, एंड दैट इज व्हाट दैट इज के फिर से मोदी जी जब आते हैं तो मोदी जी फिर से रिवाइव करते हैं आपके एफटीओ टॉक। तो 2022 में फिर से रिवाइव होती है ना, तो रिवाइवल ऑफ आपका एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फिर से रिवाइव की जाती है, ठीक है, फिर से रिवाइव की जाती है, ठीक है, फिर से रिवाइव की जाती है। अब यहां पर दिया गया, तो अब रिवाइवल की बात चल रही है, तो अभी ड्राफ्ट बन रहा है कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक पॉलिसी है, एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ऑब्वियसली बात है इसके ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो इस ड्राफ्ट तैयार में एक चीज बताया गया, एक क्लॉज जोड़ा गया, उस क्लॉज का नाम है स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज, स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज। अब देखो ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज का फंडा क्या है ना, स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज का ये फंडा क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, इसको थोड़ा दिमाग में क्लियर रखोगे क्लैरिटी मिलती जाएगी। इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, तो इंडिया में ना रिच इंडिया में आईपी लॉज जो है, स्पेसिफिकली पेटेंट लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे कैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, मान के चलो मैंने कोई मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन क्योर कर सकती है एड्स को। वैसे दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि एड्स को क्योर कर सके, कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो एड्स को क्योर कर सके, एचआईवी एड्स उसको क्योर कर सके, है ना। एचआईवी एड्स जो है वो प्रिवेंटिव मेजर है, क्योरेटिव नहीं है, ठीक है। कैंसर क्यूरेटिव हो गया, बट एचआईवी एड्स इज नॉट आपका क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है कि भाई अगर आपको हो जाए तो आप क्योर कर सको, नहीं, इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, प्रिवेंट हो सकता है वो। अब पॉइंट इस बात का है कि मैं डॉक्टर हूं और मैंने क्या किया, मैंने एक मेडिसिन बना दी, ठीक है, हाँ, और रेबीज ऑल्सो या सो रेबीज भी हो गई, तो रेबीज भी अगेन इट्स अ प्रिवेंटिव, इट्स नॉट अ क्यूरेटिव। तभी जब भी हम बात करते हैं ना, देखो डिफरेंस होता है, वैक्सीन, तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव मेजर, ड्रग्स जो मेडिसिन लेते हैं इट्स क्यूरेटिव। तो रेबीज के वैक्सीन लगते हैं, है ना, रेबीज के वैक्सीन लगते हैं, पोलियो के वैक्सीन लगते हैं। पोलियो अगर हो गया तो वो सही नहीं हो सकता, पोलियो प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है, ठीक है। तो वैक्सीन आपका क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, है ना, और ड्रग्स आपका आपका क्यूरेटिव के लिए, ठीक है, जो आपका सही किया जाए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, मैंने एचआईवी एड्स की एक मेडिसिन बनाई और वो ड्रग ना पूरा एचआईवी एड्स को क्योर कर देता है, बिल्कुल परफेक्ट कर देता है इंसान को। अब मैं क्या गया, तो मेरे पास एक हक है क्योंकि मैंने उस पर बहुत टाइम दिया, मैंने उस पर बहुत कॉस्ट लगाई, सो मैंने उसको इन्वेंट किया, सो आई एम द इन्वेंटर, सो आई हैव द राइट कि मैं उस ड्रग को ना जितने रुपए बेचना चाहूँ उतने रुपए बेच सकता हूँ। मैं चाहूँ 1 रुपए बेचना चाहूँ 1 रुपए बेच सकता हूँ, मैं चाहूँ 1 लाख रुपए बेचना चाहूँ 1 लाख रुपए बेच सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ 1 करोड़ रुपए बेचना चाहूँ 1 करोड़ में बेच सकता हूँ। और क्योंकि वो मेरा राइट है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और स्पेसिफिकली कौन सा राइट, पेटेंट राइट, पेटेंट मिलता है मुझे, और पेटेंट कितने साल तक, 20 ईयर्स तक पेटेंट मिलता है, कितने साल तक, 20 ईयर्स तक। लेकिन मान के चलो मैंने इंडिया में ये बनाई मेडिसिन, है ना, लेकिन ये मेडिसिन यूएस भी जाएगी, अग्रीड। अब यूएस में गई तो यूएस में ये है कि यूएस में तो यूएस के लॉज अप्लाई होंगे ना, यूएस में तो यूएस के लॉ अप्लाई होंगे। तो पॉइंट इस बात का होता है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, जितने भी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यहां पर ना आईपी राइट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर किसी को पेटेंट मिल गया ना तो आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अगर आपने छेड़छाड़ करी जेल में जाओगे सीधा आप, ठीक है। लेकिन इंडिया में आईपी राइट्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, स्पेसिफिकली फार्मा को लेकर, है ना, पेटेंट राइट्स को लेकर इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, स्पेसिफिकली मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर। क्यों, क्योंकि इंडिया में अमीर नहीं है कोई, है ना, 1% ऑफ दी या 10% ऑफ दी जो पीपल है, दे कैन अफोर्ड दी मेडिसिन ऑफ 1 लाख 2 लाख रुपीज, बट व्हाट अबाउट दी 90% ऑफ दी पीपल, दे कांट अफोर्ड, यू एंड आई कांट अफोर्ड, राइट।
अगर हमें कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जहां पर आपके सर्दी जुकाम सही हो जाएगा एक बार में और वो उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, नहीं अफोर्ड कर सकते यार। हम बोलेंगे 1 महीने और हो जाए सर्दी जुकाम, 1 लाख रुपए बचेंगे तो, राइट? अगर हमारे देश में कोविड की वैक्सीन थी, फ्री में मिली हमें, कोविशील्ड और कोवैक्सीन फ्री में आई, मुझे फ्री में लगी, आपको फ्री में लगी होगी। सो हमारे देश में जो मॉडल है वो सोशलिज्म मॉडल है। हमारे देश में मेडिसिन और हमारे देश में किसी को सही करना, मतलब मेडिकली उसको ट्रीट करना, इट्स हिज फंडामेंटल राइट, हिज और हर फंडामेंटल राइट। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया इज अ हब ऑफ व्हाट? इंडिया इज अ हब ऑफ आपका जेनेरिक मेडिसिन। अब ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? जेनेरिक मेडिसिन का सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि मैंने एक मेडिसिन बनाई, वो मेडिसिन ऑब्वियसली बात है किसी केमिकल फॉर्मूला से बनाया होगा, और वही केमिकल फॉर्मूला से मैंने वही मेडिसिन बना दी, दूसरी मेडिसिन बना दी, तो जेनेरिक मेडिसिन मतलब कॉपी कर लेना, कॉपी करके दूसरी मेडिसिन बना लेना, दैट इज व्हाट आपका जेनेरिक मेडिसिन। इंडिया इज अ हब ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, है ना? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है पूरी दुनिया का, थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का इंडस्ट्री है, और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है जेनेरिक मेडिसिन का। अब हुआ क्या, जो अभी ड्राफ्ट बन रहा है ना आपके इंडिया और यूरोपियन यूनियन के FTA में, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में, उस ड्राफ्ट में अगर हम बात करें, उस ड्राफ्ट में एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन है स्पेसिफिक ड्यूरेशन। उसमें क्लियरली स्टेट किया गया कि अगर कोई ड्रग्स बन रहा है और वो ड्रग्स पे पेटेंट मिल रखा है तो वो इंडिया के अंदर 6 साल तक नहीं आ सकता एज अ जेनरिक मेडिसिन, 6 साल तक नहीं आ सकता, ठीक है? 6 साल तक नहीं आ सकता। अब इससे होगा क्या, इससे बहुत सारी मेडिसिंस, बहुत सारे ड्रग्स, जैसे कि बेडाकोलाइन, तो बेडाकोलाइन क्या है, ट्यूबरक्लोसिस का क्यूरेबल ड्रग है ना? सो ट्यूबरक्लोसिस का ड्रग हमारे इंडिया के अंदर 6 साल तक नहीं आ पाएगा और ना ही उसकी जेनरिक मेडिसिन बन पाएगी, है ना? तो वही लिखा गया कि स्पेसिफिक ड्यूरेशन क्लॉज इन ड्राफ्ट इंडिया EFTA, मतलब यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पैक्ट, में अफेक्ट ड्रग इंडस्ट्री, है ना? हमारे देश में ड्रग इंडस्ट्री को अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में 6 साल तक, 6 ईयर्स तक वो मेडिसिन नहीं मिल सकती जो मेडिसिन ऑलरेडी पेटेंट ग्रांटेड है। तो बेडाकोलाइन जैसी ड्रग पे आपका जेनरिक मेडिसिन नहीं बन सकता, और बेडाकोलाइन बहुत महंगा है, लेकिन बेडाकोलाइन का जेनरिक बन सकता है, कॉपी बन सकता है, और वही कॉपी उतना ही इंपैक्ट डालेगा, है ना? उतनी एफिशिएंसी होगी, है ना? लेकिन नहीं, ठीक है? चलो, तो इसी बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, सो राजीव गांधी असैसिनेशन केस, कन्विक्ट सेट टू लीव फॉर श्रीलंका, है ना? सो इन द ईयर ऑफ 1989 आर एक्स प्राइम मिनिस्टर, एंड एट दैट टाइम ही वाज आल्सो द एक्स प्राइम मिनिस्टर, दैट इज राजीव गांधी, द सन ऑफ इंदिरा गांधी एंड द ग्रैंडसन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था तमिलनाडु में, और उस असैसिनेशन के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन कहां था, दैट इज LTTA, जैसे दैट इज आपका लिबरेशन एलम तमिल टाइगर्स, है ना? तमिल टाइगर्स ऐसा कुछ था, लिबरेशन एलम LTTE, सो लिबरेशन, हाँ लिबरेशन, आप हाँ लिबरेशन आपका तमिल टाइगर्स एलम, लिबरेशन तमिल टाइगर्स एलम, ये था बेसिकली उनका समथिंग, है ना? लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम, इट्स व्हाट द फुल फॉर्म, LTTE, जिसके जो हेड थे वो थे कौन, प्रभाकरण। अब प्रभाकरण जो थे, तो उन्होंने क्या किया, अब वो कहानी अलग है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट हाँ वो ऑर्गेनाइज, वो क्या करते हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाले होते हैं 1989 में, और उस कैंपेनिंग में पहली बार, है ना, तो जब इनका असैसिनेशन किया गया था ना, पहली बार एक बहुत यूनिक चीज हुई थी, पहली बार ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर का यूज किया गया था, पहली बार दुनिया में, है ना, पहली बार दुनिया में ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर का यूज किया गया था, एक ऐसे बॉम्ब का यूज किया गया था जो कि प्लास्टिक का था, ठीक है? और उसमें राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाता है, और उसमें वन ऑफ द फर्स्ट कन्विक्ट जो थे वो कौन थे, संतन, है ना, संतन जिनका इन्वॉल्वमेंट था आपके राजीव गांधी के असैसिनेशन में। पॉइंट ये है कि ये बहुत सालों से जेल के अंदर है, और उन सबको पार्डन कर दिया गया, है ना, पार्डन का मतलब क्या होता है, पार्डन का सिंपल सा मतलब ये है कि
जो उनको पनिशमेंट मिल रखी थी है ना, वो पनिशमेंट डेथ पेनल्टी लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल रखी थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, इमेच्योर प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। ठीक है, प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। उन्होंने बोला कि इनका कंडक्ट अच्छा है, इनको जो पनिशमेंट मिलनी थी वो पनिशमेंट मिल गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली थी बेसिकली, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली और उसके बाद उनको प्रीमेच्योरली रिलीज कर दिया। बोल दिया गया भाई आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट 20-25 साल आपने वैसी जेल में बिता दिया है, नाउ यू कैन गो, नाउ यू कैन गो, है ना। अब पॉइंट इस बात का है कि एक पर्सन जो कि कन्विक्ट थे, जो कि उनको अब रिलीज कर दिया गया, पार्डन कर दिया गया, संथन, वो संथन अपने वापस देश में जा रहे हैं। उनका देश कौन सा है, श्रीलंका, और श्रीलंका ने उनको टेम्परेरी पासपोर्ट इशू कर दिया है, टेम्परेरी पासपोर्ट इशू कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज आई वुड रिकमेंड, देखो तुम अब जो लोग क्लैट दे रहे हैं, जिनका मेन फोकस क्लैट 2025 है, ओलेट नहीं, क्लैट 2025 है, सब एक मूवी देख सकते हैं, इनिशियली थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, दैट इज मद्रास कैफे, मतलब देखना अच्छी मूवी है, शायद यूट्यूब पे भी मिल जाए, फ्री मिल जाए, मद्रास कैफे। मद्रास कैफे देखोगे ना तो यू विल गेट बहुत सारी क्लैरिटी अबाउट द इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, कि इंडिया श्रीलंका के बीच में ऐसा क्या हुआ था उस समय, ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया गया, वो उस समय एक ऐसा पीरियड था, या ऑपरेशन पवन अभी तक की अगर हम बात करें, कि जहां पर किसी फॉरेन कंट्री की आर्मी किसी दूसरे देश में गई हो, है ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सनल्स गए थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सनल्स, सदन साउथ की मूवी नहीं, नहीं जॉन अब्राहम है भाई, जॉन अब्राहम है ना, मद्रास कैफे जॉन अब्राहम है, हिंदी मूवी है। ठीक है, तो जाके देखना, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, इनिशियली यू विल गेट बोरिंग, अगर जिसको जो मारधाड़ या फिर रोमांटिक मूवी पसंद है उनके लिए नहीं है भाई ये, अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए यू विल गेट टू नो, जॉन अब्राहम की कुछ ही मूवी अच्छी होती है, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मूवी है ये, मद्रास कैफे, है ना। एक्सपेक्ट मत करना कि धूम जैसी होगी, बाइक उड़ाएगा, नहीं 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 नहीं, या बॉडी उठा बॉडी दिखाएगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें बेचारा पिटता भी है वो, है ना, एजेंट होता है बेचारा, एजेंट होता है, तो मद्रास कैफे। ठीक है, सो देखना अच्छी मूवी, इट्स अ वेरी गुड मूवी, वेरी गुड मूवी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड मूवी। ठीक है, जाके देखिएगा। तो वही बताया गया कि संथन जो कि पहले कन्विक्ट थे, उनको अब वो श्रीलंका वापस जा रहे हैं, तो उनको वही टेम्परेरी पासपोर्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, ग्रांट कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, दिस वन नाउ, सो कर्नाटका हैज कम अप विद अ न्यू बिल, एंड दैट बिल इज नोन एज व्हाट, दैट इज कन्नडा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, कन्नडा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट बिल, डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। अब देखो, सो अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, अगर आप दिल्ली जाओ, है ना, सो आप दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली में आपको वहां पर आपको कैफेज देखने को मिलेंगे, सीसीडी आपको देखने को मिलेगा, स्टारबक्स देखने को मिलेगा, तो वहां पर ना स्टारबक्स हिंदी में नहीं लिखा होगा, बर्गर किंग लिखा होगा, मैकडॉनल्ड्स लिखा होगा, सब कुछ डोमिनोज लिखा होगा, हिंदी में नहीं लिखा होगा। बट वेन वी कम ऑन टू दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो एक बड़ी ही डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो है लैंग्वेज डाइवर्सिटी, है ना। लैंग्वेज डाइवर्सिटी मतलब दिस इज केरला, केरला में कौन सी लैंग्वेज है, मलयालम, है ना। यहां जाओगे तो ये कौन सा स्टेट है, दिस इज तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज है, तमिल। और केरला और तमिलनाडु से लगा हुआ एक और स्टेट है जो बॉर्डर लगाता है, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, अब सो व्हेन आई फर्स्ट टाइम विजिटेड बैंगलोर ना, तो बैंगलोर में ना मैंने देखा कि यार कि यहाँ पर ना स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स तो इंडिया की कंपनी है नहीं, है ना, तो स्टारबक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है और वही चीज़ कन्नड़ा में भी लिखी हुई है, और मैं देखता जा रहा हूँ कि सारे के सारे आपके जितनी भी उनके आपके होर्डिंग्स हैं, ऑब्वियस बात है, आप बताते हो ना दुकान के बाहर होर्डिंग्स लगाते हो, स्टारबक्स डोमिनोज, हर दुकान पे आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन उसके साथ कन्नड़ा में ही मिलेगा, तो कन्नड़ा में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्नड़ा में आपको लिखना जरूरी है ना, कन्नड़ा में लिखना जरूरी है। अब इसी को कंपलसरी बनाने के लिए क्योंकि कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में ना कहीं ना कहीं एक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, सॉरी पूरे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देयर इज अ बेसिकली क्या बोल सकते हैं, दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ देयर लैंग्वेज, दे वॉन्ट कि उनकी लैंग्वेज उनका राइट है, वो सही भी है, गलत नहीं है, है ना। जैसे हम हिंदी को अपनी सुप्रीमेसी देते हैं, तो वैसे ही वो अपनी लैंग्वेज को सुप्रीमेसी देते हैं, वो उनका हक है, वो उनका राइट है, वो होना भी चाहिए, कुछ गलत बात नहीं है इसमें, है ना। अब यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बिल को टेबल किया, उस बिल में ये चीज़ बोली उन्होंने कि जितने भी आपके शॉप्स हैं, जितनी भी कॉरपोरेशन हैं, जितनी भी कॉरपोरेट हैं,
कोई भी कंपनी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो डेल हो, चाहे वो एप्पल हो, कोई भी कंपनी, छोटी छोटी दुकान से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेशन, जो भी कर्नाटका में अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो वो जब वो होर्डिंग लगाएंगे, है ना, तो उस होर्डिंग के 60% ऑफ द अपर पार्ट, है ना, तो ये पूरी होर्डिंग है, इसका 60% ऑफ द अपर पार्ट में जो लिखा होना चाहिए वो किसमें लिखा होना चाहिए? कन्नडा में, कन्नडा में लिखना होना चाहिए. बाकी 40% में आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, कोई नहीं रोक रहा. बट 60% ऑफ द होर्डिंग में, 60% ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द होर्डिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा? कन्नडा में आपको लिखना पड़ेगा. तो वही लिखा गया, तो वही लिखा गया, कर्नाटका टेबल बिल्स मेकिंग 60% कन्नडा मैंडेटरी ऑन नेम बोर्ड्स, ऑन नेम बोर्ड्स, है ना. तो वही लिखा हुआ है कि ऑन ट्यूजडे दिस बिल हैज बीन टेबल्ड ऑन ट्यूजडे मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेस For all business established in Karnataka to display name boards with 60% of text in Kannada in upper half of the board. In upper half of the board. अभी कुछ महीने पहले protest भी हुआ था कर्नाटका में, अच्छा खासा protest हुआ था, है ना, बहुत सारे कॉरपोरेट, बहुत सारे शॉप्स, है ना, उन सबके बोर्ड्स, उन सबके बोर्ड्स पे ब्लैक पेंट कर दिया गया था, है ना, तोड़ दिया गया था उनको, क्योंकि कन्नड़ा में नहीं लिखा हुआ था. उसके बाद सब ने कन्नड़ा में लिखना स्टार्ट कर दिया, आपको हर जगह देखने को मिलेगा. लेकिन अब उन्होंने बोल दिया आप डी कंपल्सरी हो गया है, तो 60% ऑफ द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड में आपको कन्नड़ा में लिखना पड़ेगा, कन्नड़ा लैंग्वेज मैंडेटरी हो गया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now this one. So finally, our ex-Chief Justice of India, Ranjan Gogoi. So Ranjan Gogoi received what? Receives Assam Bhavav Award. है ना? Assam Bhavav Award. ये वही person है जिनके ऊपर accusation लगा था sexual assault का. है ना? ये वही CGI है. और ये अपनी ही केस में खुद जज बन गए थे. है ना? ये अपनी ही केस में खुद जज बन गए थे. बहुत क्रिटिज्म हुआ था इनका, बहुत क्रिटिज्म हुआ था. इवन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे राज्यसभा में. है ना? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे राज्यसभा में. और राम मंदिर का जजमेंट भी दिया था. वेरी गुड. राम मंदिर का उन्होंने जजमेंट भी दिया था. 2019 के आसपास ये CGI थे. तो वे लिखा गया कि former chief justice of India, that is Ranjan Gogoi, has been awarded with Assam's highest award, highest civilian award. Assam state ka highest civilian award hai. Kaun sa? Assam Bhavav Award. Assam Bhavav Award se unko sammanit kiya gaya, unko diya gaya. To bhai likha hua hai, former chief justice of India Ranjan Gogoi was giving the Assam's highest civilian award, Assam Bhavav, kahan par? Guwahati mein. Itna make sure rakhna, Assam ki capital Guwahati nahi hai, hai na? Guwahati bilkul nahi hai. Guwahati one of the important city of Assam, but capital is Dispur. Dispur. ये बहुत लोग confuse होते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. Now this one, ठीक है? This one. अब ये है क्या? ये बड़ा ही interesting सी चीज़ है और हमारे examination perspective से बहुत importance रखता है ये. क्या है? जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक constitutional body है. Indian constitution में दिया हुआ है. That is Election Commission of India. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ आपका मल्टी मेंबर बॉडी. कितनी मेंबर बॉडी है? थ्री मेंबर बॉडी है. ना, इट्स अ थ्री मेंबर बॉडी. अब देखो, अगर हम एक थ्री मेंबर बॉडी की बात करें, उसमें से कौन होता है? उसमें से एक है चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर और एक है टू आपके इलेक्शन कमिश्नर्स. वैसे इन दोनों की पावर सिमिलर ही होती है, कुछ डिफरेंस होता नहीं है. बट हाँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये आपका दो इलेक्शन कमिश्नर्स है, थ्री मेंबर बॉडी है. अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता था? अगर हम इनकी अपॉइंटमेंट की बात करें, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता था? गवर्नमेंट करती थी. गवर्नमेंट नाम रिकमेंड करती थी. गवर्नमेंट नाम रिकमेंड करने के बाद अपॉइंटमेंट कौन कर देता था? प्रेसिडेंट. क्योंकि प्रेसिडेंट ऑलवेज एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. है ना? तो ये ऐसे अपॉइंटमेंट होता था. लेकिन इस चीज का भाई इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि दिस बॉडी शुड बी इंडिपेंडेंट. अब ये बॉडी तभी इंडिपेंडेंट होगी ना जब इनका अपॉइंटमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा. क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होने का सिंपल सा रीजन ये है कि भाई ये इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं. जो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो इस बॉडी का मिसयूज भी तो कर सकती हैं. इस बॉडी में अपने ही लोगों को अपॉइंट कर सकती हैं जो उनको फेवर कर रहा हो. है ना? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था. व्हाट द नेम ऑफ द केस? कौन सा केस था? पढ़ा है अपन ने. What is the name of the case जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2015 में केस फाइल हुआ था और 2024 में उसका जजमेंट आया था, 2023 में उसका जजमेंट आया था. कौन सा केस था गाइस?
अरे पढ़ाया हुआ है भाई, यस, अनूप वरनवाल वर्सेज रन ऑफ इंडिया, है ना। सो अनूप वरनवाल वर्सेज रन ऑफ इंडिया में अनूप वरनवाल वरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनु वरनवाल वर्सेस ऑफ इंडिया 2015 में केस फाइल हुआ, पिटिशन फाइल हुई और 2023 में इसका जजमेंट आ गया, है ना। और अनु वरनवाल वर्सेस ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और टू इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट क्या होना चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भाई कैसा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट्स नॉट आर ड्यूटी टू मेक अ लॉ या टू टेल यू कि भाई कैसे अपॉइंटमेंट करो, बट वी कैन गिव द रिकमेंडेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिकमेंडेशन दी कि कैसा होना चाहिए अपॉइंटमेंट, है ना। सो रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट, है ना, रिकमेंडेशन ऑन अपॉइंटमेंट। अब रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, हम ना आपका सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। अब ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कौन कौन होगा, उसमें कौन कौन होना चाहिए, उसमें उन्होंने बोला कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन कहां का, लोकसभा का, है ना, लोकसभा का, प्राइम मिनिस्टर जो कि लोकसभा के आपके आपके लीडर है, और आपका सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीज। अब ये बात गवर्नमेंट के पास आई, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है लॉ हम बनाएंगे, आपने रिकमेंडेशन दे दी, नाउ विल मेक द लॉ। सो आपका यूनियन गवर्नमेंट एक लॉ लेके आती है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज आपका इलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2023। और उस एक्ट के थ्रू वो बेसिकली लोकसभा से पास होता है, बिल पास करते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से बिल पास करते हैं, प्रेसिडेंट असेंट दे देता है। और उसमें दिया गया, उस एक्ट में क्या दिया गया, उस लॉ में क्या दिया गया, उस एक्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट लेके आई उसमें सिंपल सी बात की गई कि हाँ होंगे यही सिलेक्शन कमेटी होगी। Just one second. होगी सिलेक्शन कमेटी, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिलेक्शन कमेटी होगी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लीडर ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, और सेंट्रल मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये लोग ये होंगे। सीजीआई हटा दिया गया, है ना, जो रिकमेंडेशन दी गई थी, इसीलिए इसीलिए इसीलिए, है ना, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आपका एक एक पिटिशन फाइल की गई, और पिटिशन में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये तो एक्ट बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट आप एक इंटरिम ऑर्डर, मतलब फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप इस पे क्लैरिटी नहीं ले लेते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो गई, केस चला गया कि भाई ये तो गलत है, ये तो गलत हो रहा है, अल्टीमेटली वही चीज हो गई जो पहले हो रहा था, है ना। अब तो बस दिखाने के लिए हुआ है, लेकिन भाई अब ऑब्वियसली बात है, डिसीजन कैसे आएगा, डिसीजन आएगा आपके मेजोरिटी के बेसिस पर, तो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो साथ में ही रहेंगे, वो तो हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो तो केस तो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है उसका, अच्छा खासा हियरिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बट द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और प्ली रखी गई। प्ली ये था कि देखो, जब तक आप इस पर जजमेंट नहीं दे देते, तब तक आप इस प्रोसेस पर स्टे लगा सकते हो, आप इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हो, इंटरिम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, तो जब तक जजमेंट नहीं आता तब फॉर द टाइम बीइंग तब तक आप एक ऑर्डर पास कर दो, उस ऑर्डर में क्लियरली ये स्टेट कर दो कि भैया ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया, इट्स अबाउट द इंडिया यूए रिलेशंस सर्व्स एज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। तो हमारे मोदी जी कहां गए हुए हैं, मोदी जी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना,
सबसे ज्यादा बार अगर मोदी जी कहीं किसी फॉरेन कंट्री में गए तो यूएई गए हैं, उनको बहुत पसंद आया है दुबई, ठीक है। तो भाई लिखा गया, सो क्यों गए वैसे? तो बेसिकली एक तो वो इनॉग्रेट करने टेंपल का जो बन रहा है टेंपल, है ना, आपके अक्षरधाम ऑर्गेनाइजेशन ने टेंपल बनाया है ना, तो एक तो उसको इनॉग्रेट करने गए, इनॉग्रेट के साथ साथ इंडिया और यूएई के रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने से और स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो मोदी जी वहां गए तो मोदी जी ने भाई बोला कि इंडिया यूएई रिलेशनशिप जो है वो दुनिया के लिए ना एक एग्जाम्पल बन रहे हैं कि कैसे दो कंट्रीज अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकती है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर दिया गया, तो वही लिखा गया, हेलिंग इंडिया एंड यूएई एज अ पार्टनर इन प्रोग्रेस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूजडे स्टेटेड व्हाट द टाइज बिटवीन द टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सर्व्स एज अ मॉडल फॉर वर्ल्ड एंड दे आर स्क्रिप्टिंग अ न्यू हिस्ट्री इन द थर्ड डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी, ठीक है। इस पे एडिटोरियल भी है, तो अपन फिर से इसको देखते हैं, फिर से अपन देखेंगे इसको, इस एडिटोरियल को। चलो या सो एक और चीज, सो इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के ऊपर जो अवार्ड था, है ना, इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के ऊपर जो अवार्ड था वो अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया। तो लिखा गया इंदिरा गांधी नरगिस दत्त नेशनल अवार्ड रीनेम। तो वही लिखा गया कि इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर एंड नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स के पार्ट है, उनको रीनेम कर दिया गया बाय दी कमिटी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स, कमिटी फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, चेंज कर दिया गया, क्लियर, ये चीज नाम चेंज कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हाँ आप लिख लो, बेसिकली नाम चेंज करके क्लब कर दिया गया, क्लब कैसे किया गया वो अपन समझते हैं, क्लब कैसे किया गया, ठीक है, क्लब कैसे किया गया, तो वही लिखा गया, द कमिटी रिकमेंडेड इंदिरा गांधी जो था इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फॉर डायरेक्टर रीनेम्ड एज व्हाट, रीनेम्ड एज सिंपल बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, ये चीज, और नरगिस दत्त वाला जो है नरगिस दत्त वाले अवार्ड को क्लब कर दिया गया आपका बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू एंड बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, इस चीज में, ठीक है, इस चीज में। चलो आगे बढ़ते हैं, Now this is something a very interesting editorial and it's about the India and Qatar, है ना? तो अभी जो Qatar authorities ने हमारे 8 Indian Navy veterans को release कर दिया उसको लेकर, जिसमें से 8 में तो 7 तो India वापस आ गए उसको लेकर, और heading पढ़ोगे तो heading में क्या लिखा गया है, Quit diplomacy without ringship helped India case in Qatar, मतलब शांति से डिप्लोमेटिक टॉक करी, कोई हंगामा नहीं किया, और यही चीज हेल्प करी जिसके चलते इंडियन नेशनल्स रिलीज हो गए कतर से, और इसीलिए ये इंडिया के लिए बिग डिप्लोमेटिक विन है, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज यहां पर दी गई है, तो वही चीज यहां पर स्टेट किया गया, तो वही लिखा गया, द रिलीज ऑफ eight former Indian naval personnels from Qatar just about 3 months after they were ordered a shocking death sentence in a matter is a matter of great relief. तो जहां उनको death sentence मिल गया था, वहां पर उनको क्या मिला, उनको रिलीज ही कर दिया गया। तो वही चीज, अब इसको लेकर मैंने ऑलरेडी टॉपिक ऑफ द वीक लिया हुआ था, तो जिसको नहीं पता है तो वो टॉपिक ऑफ द वीक देख सकता है, ये टॉपिक ऑफ द वीक मंडे को लिया गया था, है ना, सो डे बिफोर यस्टरडे आई हैव टेकन दिस सेशन एट 8:30 इवनिंग, वहां पर आप जाके पूरा का पूरा देख सकते हो, बट ऑथर अल्टीमेटली लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली लास्ट में यही बोलना चाह रहे हैं, यहां पर जाओगे तो यहां पर पूरा जो हमने अपने डिस्कस किया है ना पुराना केस वही के वही है, बाकी ये लास्ट में ये लिखा हुआ है, द कतर केस इज अ व्हाट इज अ टाइमली रिमाइंडर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ quite diplomacy at a time of ringship and geopolitical conflict, जहां पर geopolitical conflict चल रहे हैं, जहां पर लोगों के relations टूट रहे हैं, वहां पर उस समय आपका देखा जाए कतर केस में हमारी विन है, कतर केस में हमारी diplomatic विन है, ठीक है। सो वो क्यों हुई, क्योंकि quietly हमने इस चीज पे काम किया, हमने कोई ज्यादा हमने पब्लिकली उछाला नहीं इस केस को, हमने कोई arguments नहीं दिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन मिनिस्टर की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया, कतर की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया, इजीली हमने टॉक करी और इजीली हमारा काम था वो हमने अपना वो काम निकलवा लिया, ठीक है। तो ये चीज बताता है जहां पर हमास और वेस्ट के बीच में लड़ाई चल रही है और उसी जियोपॉलिटिकल टेंशन में हमने ये काम कर लिया।
या इट रिजेंबल्स द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, इट रिजेंबल्स द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आज से हम लोग एक और चीज स्टार्ट करते हैं, वही वाला जो हम पहले करते थे, है ना। नाउ यू हैव टू टास्क फॉर टुडे दैट इज, देखो होता क्या है ना कि पॉइंट इस चीज का है कि हमारे ना फैक्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंस है। सो डू वन थिंग, दो चीजें मैं आपको दूंगा, वो दोनों चीजें आपको करनी है, क्योंकि फर्स्ट टास्क बहुत सारे लोग नहीं करते। फर्स्ट टास्क क्या होता है कि आपको अपने ओपिनियन बताने होते हैं, तो ओपिनियन बताना बहुत सारे लोग नहीं बताते, है ना, ओपिनियन दिमाग में रहते हैं कौन लिखेगा। ठीक है बेटा, उससे ना आपकी बहुत हेल्प होगी, आपको आगे चल के समझ में आएगा, जब लॉ स्कूल में जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कितनी इंपॉर्टेंस थी इस चीज की, सही में। क्योंकि लॉ में आप जाओगे तो लॉ इज नॉट समथिंग अबाउट क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना है या कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, नहीं, वो थ्योरी है। उस थ्योरी में आपको अपने ओपिनियंस देने पड़ेंगे, है ना। जब आप कंपटीशन करने जाओगे ना, मूड कोर्ट कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लोग नहीं करते, ऐसा नहीं है कि सब लोग करते हैं, लोग नहीं करते, बट हाँ कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज चाहिए, तो यस यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू गो फॉर दिस। और उसके लिए पहले ही से प्रिपेयर रहो, थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल प्रिपेयर हो के जाओ, नहीं, वहां जाके सीखोगे, लेकिन वहां जाके बिल्कुल माइनस से तो मत सीखो कि माइनस से सीखना स्टार्ट कर रहे हो, वहां पर लेवल पे तो आओ, जीरो पे तो आ जाओ, है ना। तो ये चीजें लिखा करो कॉमेंट बॉक्सेस में, जरूरी होती है, है ना। और इवन आई विल ऑल्सो गेट टू नो कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो आज से दो काम करते हैं। पहला, एक मैं तुम्हें टास्क दूंगा, वो टास्क तुम्हें फैक्ट लिखने हैं सारे के सारे कि क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके, है ना, इंपॉर्टेंस। और दूसरा, आई विल गिव यू वन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, वन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें टास्क देता हूं। पहला टास्क जो कि रीजनिंग वाला है, दैट इज के अगर हम बात करें क्या एमएसपी लीगल गारंटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। एमएसपी लीगल गारंटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको रीजन लिखनी है, एंड यू हैव टू राइट बोथ साइड, प्रोस एंड कॉन्स। अगर हो गई तो क्या होगा, कौन नहीं हुई तो क्या होगा। वैसे भी मैंने 2-3 पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। तो ये एमएसपी वाला पहला टास्क, डू मेक श्योर ऑफ दैट आप ये लिखें। दूसरा होगा फैक्ट बेस्ड। तो फैक्ट में आपको क्या लिखना है, फैक्ट में यू हैव टू राइट ऑल अबाउट हमास के बारे में, कि हमास कब बना, है ना, कौन फाउंडर था, किसने बनाया, क्यों बना, किससे एसोसिएटेड था। तो एग्जांपल, मुस्लिम ब्रदरहुड से एसोसिएटेड था, मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ का था, ये सारी चीजें। तो फैक्ट, सिर्फ फैक्ट, यू डोंट हैव टू राइट द फुल सेंटेंस या फुल पैरा, नहीं, सिर्फ फैक्ट, हमास फॉर्म्ड, फाउंडर, इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे करके। ठीक है, गवर्नमेंट कब बनी, क्या बनी, ये सारी चीजें। तो हमास के बारे में आपको फैक्ट्स लिखने हैं। कब लिखोगे, कमेंट बॉक्स में, अभी चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, डोंट हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स, आराम से सोचो, आराम से लिख के आओ, आराम से लिखो। ठीक है, चलो, तो ये दो चीजें यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कैंप कहना भी था, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर करते हैं इसकी, इसको अच्छी चीज थी, तो या सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस थिंग। सो एमएसपी लीगल गारंटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई वांट योर ओपिनियन, एंड हमास के बारे में पूरे फैक्ट्स, हमास इंपॉर्टेंट है, तो हमास के जितने ही फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही है ना, तो राइट इट डाउन। जिन्होंने नहीं पढ़ा, गूगल करो, सर्च करो। अब देखो होता क्या है ना कि मैंने तुम्हें बोल दिया, अब तो हमास के बारे में गूगल करोगे, सर्च करोगे, तुम बोलोगे मुझे तो आ गया, अब मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। अब उसका एक सिंपल सा तुम्हें रीजन बता रहा हूं, तुमने याद कर लिया, तुम ऐसे तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते भी हो, लेकिन क्या तुम्हें डेली न्यूज़पेपर में फैक्ट्स याद होते हैं, नहीं। लेकिन अगर हम फैक्ट्स याद करके अगर लिख लें, अगर हम जब लिखते हैं, हमें एक टास्क मिल जाता है कि भाई ये चीज़ करनी है, ये हमें लिखना है, तो हमें वो लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टाइम तक हमें चीज़ें याद होती हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने खुद करी हुई है, है ना, खुद करी हुई है। तो इसी वजह से लिखा करो। ठीक है, समास और एमएसपी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस वन, इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट द इंडिया यूएई रिलेशंस, है ना, इंडिया यूएई रिलेशंस। तो वहीं यहां पर इंडिया यूएई रिलेशंस के बारे में बात किया गया। क्यों बात की गई, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई की विजिट पर है। तो वही लिखा गया कि एट अ टाइम व्हेन डिप्लोमेसी इज वाइडली रिगार्डेड एज ट्रांजिशनल, द डीपली पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द नरेंद्र मोदी एंड यूएई प्राइम मिनिस्टर, दैट इज, सॉरी, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, दैट इज शेख मोहम्मद ज़ायन बिन नयान,
स्टैंड आउट समथिंग ऑफ ओल्ड वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट. तो जहां पर अभी डिप्लोमेसी को बोला जा रहा है कि यार ये डिप्लोमेसी ट्रांजिशनल वे में चल रही है. ट्रांजिशनल वे का मतलब होता है कि कभी उधर कभी इधर, मतलब स्टेबल नहीं है डिप्लोमेसी. वहीं पर इंडिया यूएई दुनिया के सामने एग्जाम्पल लेके बैठे हुए हैं कि भाई डिप्लोमेसी कैसे होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे होते हैं, है ना. तो वही चीज यहां पर बताया गया. तो खुद बोला गया It is a bond of what? It is a bond of trust, है ना? It is a bond of trust and credibility. It is a bond of trust and credibility. तो author ने वही बोला है. उन्होंने author ने ये बोला कि ये जो bond है ना, जहाँ पर trust और credibility होती है, वो outweigh कर जाते हैं आपके diplomatic reciprocity को. अगर मान के चलो कि मेरे और आपके बीच में ना trust है, मेरे और आपके बीच में ना credibility है, तो आप कुछ भी करो, है ना, आप कुछ भी करते रहो, तो मैं शायद आप अगर वो मेरे को इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है ना, तो मैं शायद आपके आपकी उस पर कुछ इन्वॉल्व हो ही ना, मैं आपको काउंटर करूँ ही ना. अगर मुझे पता है ना कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरा दोस्त कुछ भी कर रहा हो, है ना. लेट मी गिव एग्जांपल. मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम है ऋषभ. तो उस ऋषभ वो कुछ भी कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है वो, लेकिन मुझे पता है कि यार जब मैं उसको बुलाऊंगा ना तो वो आ जाएगा, ठीक है. तो ट्रस्ट है मुझे उसके ऊपर और क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर. तो हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. इवन तो हमारे फैमिलीज की फाइट चल रही हो, मेरे फैमिली और उसके फैमिली की बहुत फाइट चल रही हो, लेकिन वी हैव द ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग, राइट. तो सेम गोज विद दी इंडिया यूएई कि भाई वेस्ट एशिया रीजन में कुछ भी चल रहा हो, हमास अटैक कर रहा है, हमास के ऊपर अटैक हो रहा है, पैलेस्टीनियंस के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, राइट ब्रीच हो रहा है ना. इंडिया स्टैंड नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद देखो, यूएई को बोलना चाहिए था कि भाई इंडिया यू शुड टेक स्टैंड, बट इंडिया इज लाइक के नहीं भाई हम कोई स्टैंड नहीं ले रहे, बट हम हाँ इस चीज़ को हम अगेंस्ट में है, इस चीज़ के अगेंस्ट में है. उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर बताया गया कि इवन दो उसके बावजूद भी इंडिया यूएई जो है इज एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड कि कैसे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके आउटवेट कर देती हैं आपकी डिप्लोमेटिक रेसिप्रोसिटी को, ठीक है. अब आगे खुद बोला गया, Much of this is on display during Mr. Modi's ongoing visit to UAE for the third time in barely 8 months. तो आखिरी के 8 महीनों में तीसरी बार मोदी जी गए हैं कहाँ पर? United Arab Emirates, है ना. And he had made a bilateral visit in July 2023 में उन्होंने विजिट करा, है ना, COP28 के लिए, ठीक है. 2023 विजिट किया, फिर COP28 में गए और फिर अभी चले गए, ठीक है. ये चीज़ यहाँ पर बताई गई. फिर खुद बोला गया कि शेख मोहम्मद भी थे, वो इंडिया में आए, इंडिया में गवाए, G20 समिट में आए, और G20 समिट में आए तो उनको फिर जैन में बुलाया गया. जैन में क्यों बुलाया गया? आपके वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के वो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, चीफ गेस्ट थे. तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई. सर इसके ऊपर वाला भी एडिटोरियल समझा दीजिए, थोड़ा टफ था. चैतन्य एक बार फिर से स्पेसिफाई करेगा एडिटोरियल का नाम क्या था. आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है. फिर बोला गया विजिट विद सब्सटेंस. अब बोला गया कि भाई अभी जो विजिट की गई ना, वो विजिट में कुछ ना कुछ सब्सटेंस है. अभी हमें सिर्फ लग रहा है ना, हमें सिर्फ लग रहा है कि भाई इज जस्ट अ विजिट टू इनॉग्रेट दी इंडिया टेम्पल, हिंदू टेम्पल इंदू आबू धाबी, ठीक है. लेकिन वो एक है, उसके पीछे एक और चीज है. अब आप खुद देखो, अगर ये टेंपल बनेगा तो इस टेंपल से होगा क्या? इस टेंपल से बहुत सारे इंडियंस दे विल गेट है ना, बहुत सारे इंडियंस दे विल गो टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अब मुझे खुद बताओ, अगर मुझे लगेगा ना कि भाई वहां पर मंदिर है, तो मेरे पेरेंट्स ही बोलेंगे, मनु यार यूएसए क्यों जा रहा है, यूएई चला जा, है ना, खुद बोलेंगे, ठीक है, बिजनेस करने के लिए वहां चला जा, यहां क्यों जा रहा है, राइट. तो वही चीज यहां पर बताई गई. तो वही लिखा गया था, टाइमिंग ऑफ दिस विजिट इन अ सेंस ऑफ यूनिक बिकॉज इट डिटरमाइंड बाय द रिलीजियस कैलेंडर ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ ग्रैंड हिंदू टेंपल इन अबू धाबी, ठीक है. तो वो हिंदू टेंपल बन रहा है. प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंस ऑल्सो सर्व एज अ रिमाइंडर दैट इट वॉज ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट इन August 2015 दैट ही हैड रिक्वेस्टेड द कंट्रीज लीडरशिप टू प्रोवाइड लैंड फॉर द टेंपल. तो 2015 में मोदी जी जब पहली बार गए थे ना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि देखो यहाँ पर बहुत सारे हिंदूज रहते हैं, बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, सो आप हमें लैंड ग्रांट कर दो जिससे हम वहाँ पर टेंपल बना सकें. और गवर्नमेंट ने लैंड ग्रांट कर दी और फाइनली टेंपल बनके तैयार हो गया आफ्टर 9 इयर्स. ये चीज यहां पर बताई गई. और फिर वहीं लिखा हुआ है कि अगर देखा जाए तो उसके साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे आपके 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में.
तो वो तो मंदिर तो जा ही रहे हैं, मंदिर का इनॉग्रेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपके गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। और उसके साथ साथ यहाँ पर बात की जाए इकोनॉमिक टाइज भी हमारे क्या होने वाले हैं, आपके स्ट्रेंथन होने वाले हैं। तो स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज कैसे, यहाँ पर बताया गया। अब होगा क्या, ये देखो तो की इनिशिएटिव लिया जा रहा है। की इनिशिएटिव कैसा कि दुबई बेस्ड कंपनी, इसका नाम है डीपी वर्ल्ड, है ना, डीपी वर्ल्ड। और डीपी वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो दोनों आपस में अपने एक्सपोर्ट्स को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, जिससे इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है, है ना, एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है, उसके बिजनेस को क्या मिलेगा, बूम मिलेगा, उसके बिजनेस को बूम मिलेगा। और उनको आपका रिटेल, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज दुबई के एयर फ्री जोन एरिया में प्रोवाइड की जाएंगी। तो एमएसएमई के गुड्स जाते हैं, अब एमएसएमई के गुड्स गए, लेकिन एमएसएमई के गुड्स तो गए लेकिन उनको मार्केट में जाने नहीं दिया जा रहा, होलसेल बिक रहे हैं। लेकिन अब बोला गया कि भाई एमएसएमई के जो गुड्स हैं वो रिटेल बेच सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टली आके बेच सकते हैं। अब उनके गुड्स खराब हो जाते थे, पेरिशेबल आइटम्स थे, खराब हो जाते थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको वेयरहाउस फैसिलिटीज भी देंगे। तो रिटेल में भी जाने को मिल रहा है, वेयरहाउस फैसिलिटीज मिलेगी और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज भी मिलेगी कि भाई अगर आपको आपके अपने गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है तो वो भी ट्रैवल करना अलाउ किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो डीपी वर्ल्ड है वो बना रहा है 800 शोरूम्स, 18 वेयरहाउस इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स, इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स। कहाँ पर, उस एरिया में, उस फ्री जोन में जहाँ पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है मशीनरी के, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के, ऑटो कंपोनेंट्स के, मेडिकल इक्विपमेंट के, फर्नीचर, अप्रैल, प्रोसेस गुड्स, फार्मा, कॉस्मेटिक, हैंडीक्राफ्ट, इन सब, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये शोकेस कर सकते हैं वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को, बायर यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। और ये फ्री जोन मार्केट होगा ईरान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए और आपके मिडिल ईस्ट के लिए। तो इस पूरा विजन जो है इसका नाम क्या है, इस पूरे इसका नाम क्या है, दैट इज भारत मार्ट प्रोजेक्ट। इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड भारत मार्ट प्रोजेक्ट, है ना, भारत मार्ट प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया, इस पूरे प्रोजेक्ट का, जिसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये चीज यहां पर बताई गई। और उसके साथ साथ ये जो भारत मार्ट है ना, इसे बोलते हैं जियो मार्ट, तो वैसे ही भारत मार्ट है। तो भारत मार्ट प्रोजेक्ट की बात करें, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो कि एक साल कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 2023 में ये साइन हुआ था, 2023 में ये साइन हुआ था। और जब से ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, इंडिया और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशनशिप में 16% का इंक्रीमेंट हुआ है, है ना। सो 16% के इकोनॉमिक 16% आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो गए, मतलब ग्रो कर गया, हम बोल सकते हैं ट्रेड ग्रो कर गया 16% से। टोटल कितना हो गया, $85 बिलियन, है ना, $85 बिलियन तक बन चुका है, ठीक है। और यूएई ने अपनी पोजीशन बना ली है, यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है, ये चीज यहां पर बताई गई। अब यहाँ पर यही बताया गया कि देयर आर सेवरल अदर मेजर अचीवमेंट्स फॉर द टू साइड्स, है ना, जिससे क्रेडिबिलिटी बन सकती है। जैसे आईआईटी दिल्ली ने अपना मास्टर प्रोग्राम, है ना, पीजी प्रोग्राम एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी जो है वो अबू धाबी के इंटरिम कैंपस में अलाउ कर दिया, है ना। तो आईआईटी ने अपना मास्टर प्रोग्राम जो है वो अलाउ कर दिया है आपके इधर, आपके ट्रांजिशनल और सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी का, है ना, ये चीज। और इवन जो इन्वेस्टमेंट है यूएई से वो बढ़ता हुआ जा रहा है और वो फोर्थ हाईएस्ट सोर्स है इंडिया के एफडीआई के लिए। तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया के एफडीआई के लिए, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, या तो इंडिया में यूएई बिकेम दी फोर्थ लार्जेस्ट, इंडिया के लिए फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई कौन बना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बताया गया, ठीक है, ये चीज बताई गई। अब आगे बोलते हैं, आगे क्या है, आगे है रीजनल इशूज। तो रीजनल इशूज के बारे में बताया गया, रीजनल इशूज क्या है, तो रीजनल इशूज उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि वो इशूज है, इशूज क्या है, गाजा को लेकर है, हाउथीज अटैक कर रहे हैं शिपिंग के ऊपर, रेड सी के ऊपर, है ना। तो खुद दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं क्लियर
फियर और प्रेजेंट डेंजर है आपका, ये आगे चल के एस्केलेट हो सकता है, ये आगे चल के एस्केलेट हो सकता है, और जिससे होगा क्या, जिससे जो आपके शिपिंग चार्जेस हैं है ना, कार्गो के फ्री चार्जेस लगते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं, जिससे कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है, ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर ऑथर ने स्पेसिफाई किया, ये सब ऑथर ने स्पेसिफाई किया, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये चीज़ हो गई। अब देखो, एडिटोरियल पढ़ने का ना एक तरीका होता है, पहले एडिटोरियल का वे पढ़ो, एडिटोरियल आपको पढ़ने का ना एक तरीका है, हेडिंग पढ़ लिया, हेडिंग पढ़ने के बाद सब हेडिंग आती है कभी कभी, तो सब हेडिंग इसमें नहीं दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कि आप सब टाइटल्स को पढ़ो जो पैराग्राफ दिए रखे हैं। अब विजिट ऑफ सब्सटेंस, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्यों है, है ना। तो यहाँ पर इस पूरे इसमें दिया होगा कि भाई ये विजिट जो मोदी जी ने करी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर यहाँ पर दिया स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज, तो इकोनॉमिक टाइज के बारे में बताया गया। तो इससे ना आपको इंडिया और यूएई के करंट इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में फुल क्लैरिटी मिल रही है। आपको ये पता लग गया कि भाई सेकंड, आपका सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ना, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, आपको ये पता लग गया आपका ये फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है यूएई इंडिया के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब आपको पता लगता है कि कैसी इंपॉर्टेंस रखती है यूएई, है ना, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप वाले आते हैं कभी कभी, स्पेसिफिकली वेडनेसडे को आता है, वेडनेसडे को आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, on the what? On the text and context. Text and context में क्या है? It's about the on the rights of forest dwellers. On the rights of forest dwellers. इसको हम cover up करेंगे किसमें? आपके CA 25 series में. CA 25 series में. ठीक है? CA 25 series में हम लोग cover up करने वाले हैं. लेकिन आज हमारा क्या होगा? आज हमारा different topic है. And that topic is what? That topic is? आज हम लोग क्या cover up करेंगे? Today what we'll cover? Yeah, white paper, है ना? तो white paper issued by the our economic minister, is our finance minister, black paper, अरे white paper, finance minister on Indian economy, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। Now this one, on the, आपका international news, international news में क्या है? International news, it's about what? Pakistan's leading parties agree to form coalition without Imran's PTI, है ना? तो ये बताया गया कि पाकिस्तान की जो leading parties हैं, वो इमरान खान को छोड़कर आपकी alliance government बना रही है, coalition government बना रही है ना? Coalition government बना रही है, ये चीज, ठीक है? Coalition government बना रही है, ठीक है? Clear? ये चीज, तो कौन-कौन सी है? ये कौन सी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, है ना, नवाज, ये चीज, ये कौन सी है? दैट इज आपका पीपीपी, दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये कौन सी है? दैट इज आपकी किसकी पॉलिटिकल पार्टी है? ये आपके वो है, क्या बोलते हैं, आपके एक और पॉलिटिकल पार्टी है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यहां पर दिया होगा, जस्ट वन सेकेंड, या मुताइकित क़ौमी मूवमेंट, है ना, ये रहा मुताइदा क़ौमी मूवमेंट, ये है। तो ये बेसिकली आपका मिल गए, ये बेसिकली आपका मिल गए, ठीक है। चलो चलो, सो दिस इज द एनालिसिस। अब जिसको नहीं पता वो यहां पर अभी फिर से एक बार बता देता हूं क्या है। सो टुडे आई एम हैविंग अ स्पेशल सेशन 10 PM, 14th फरवरी आज है, है ना, 10 PM आई एम हैविंग अ सेशन। इस सेशन में I will be having a weekly quiz, है ना, weekly quiz हम लोग करेंगे, और जो भी टॉपर होगा उस टॉपर को आपका गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, और कल मैंने जो लोग ओलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओलेट या फिर MSCT, SLAT, CVT इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो कल मैंने क्लास ली थी, है ना, और उस क्लास में प्रतिकार डे 5, है ना, प्रतिकार 2.0 जो हमने स्टार्ट किया है ना, चैतन्या मेरा वाला एडिटोरियल, बेटा चैतन्या मुझे एक बार देखना पड़ेगा एडिटोरियल यार, है ना, तो मुझे पता नहीं है एडिटोरियल कौन सा है, तुरंत टाइटल दिया बट आई एम नॉट गेटिंग इट रिमाइंड, बट आई डू मेक श्योर ऑफ दैट कि उसको मैं डिस्कस करूंगा कल के एनालिसिस में, पक्का, है ना, अगर इंपॉर्टेंस रखता होगा ना तो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंस नहीं रखता होगा तो आई विल गिव यू कि भाई ये एडिटोरियल बोल रहा है, ठीक है, हम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये एडिटोरियल बोल रहा है, बस मुझे एक बार रिमाइंड करा देना जिससे मैं वो देख लूँ, ठीक है। चलो, सो ऑन दैट नोट वी एंड द सेशन हियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे, बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय।